जनपद मुजफ्फरनगर में राजस्थान पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने दवा मार्केट में संयुक्त छापेमारी की है। आपको बता दें कि नशे के काले कारोबार से पहचान बनाने वाली जिला परिषद मार्केट में पिछले कुछ समय पहले भी हरियाणा पुलिस ने छापामार कार्रवाई से कई दवा व्यापारी चिन्हित हुए थे, जिसने पूछताछ की गई। साथ ही एक अन्य को हिरासत में लिया गया था और इस बार राजस्थान पुलिस एवं नारकोटिक्स विभाग की छापेमारी से ये साफ हो गया कि मुजफ्फरनगर से दवाई की बड़ी खेप देश भर के कई राज्यों में भेजी जा रही है, जिसके चलते जनपद का नाम पहले से और ज्यादा अपनी छवि पर बट्टा लगाते दिख रहा है। और राजस्थान पुलिस नारकोटिक्स विभाग के साथ संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करने के लिए मुजफ्फरनगर के कोर्ट रोड पर स्थित जिला परिषद मार्केट में पहुंची। संयुक्त टीम ने मुजफ्फरनगर की दवा मंडी में स्थित पूजा मेडिकोज पर छापामार कार्रवाई करते हुए दुकान पर बेची जा रही दवाइयों की जाँच पड़ताल की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूजा मेडिकोज के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरनगर में हमारे कोई एनडीपीएस में वहाँ मुकदमा हुआ था, तो उसी की तफ्तीश में ये उन्होंने यहाँ से सप्लाई करना बताया है, जिसको अरेस्ट किया। क्या मिला है? यहाँ नहीं मिला, ये यहाँ से लेके जाते थे उसको लेके आए हैं, उसकी शिनाख्त की उसको गिरफ्तारी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।